नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में संपूर्ण भारत की पीडीएस राशन दुकानें रहेगी बंद। अग्यारकुंड में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। कुमार अधुवी केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मनमानी नीतियों के विरुद्ध ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तहत 7, 8, 9 फरवरी 2023 को संपूर्ण भारत की जन वितरण प्रणाली दुकानें बंद रहेंगी। इसी को लेकर अग्यारकुंड प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस दुकानदारों ने प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांग दोहराई। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के सदस्यों ने बताया कि पहले हम लोगों को 1 रुपया प्रति किलो कमीशन मिलता था, लेकिन अब वह भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधारा बंद कर दिया गया है। मानदेय को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने संपूर्ण भारत वर्ष की सभी जन वितरण प्रणाली दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अभी यह सांकेतिक हड़ताल है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो यह आगे भी जारी रहेगा। मौके पर काफी संख्या में अग्यारकुंड प्रखंड के पीडीएस दुकानदार मौजूद थे। चिरकुंडा संवाददाता मधु गोराई की रिपोर्ट। बैठक मेरे द्वारा नहीं बुलाई गई थी, बैठक जो है अग्यारकुंड के बीडीओ साहब के द्वारा बुलाई गई थी। पंचायत समिति और डीलर लोगों के बीच उनको कुछ जो कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर करने के लिए कि कोई भी समस्या हो तो उसका सॉर्टआउट इजीली ढंग से कैसे हो सके, उसी को लेकर ये बैठक ली गई। क्या निर्णय लिए गए? वही निर्णय लिए गए कि जो भी जनप्रतिनिधि जानना चाहे उसकी सूचना आप लोग उपलब्ध कराएँ ताकि कहीं भी कोई गैप न हो। दिसंबर महीने में पीडीएस के चावल जो फ्री वाले मशीन थे बटा नहीं, आपके ठप्पा भी लोग ले लिए थे मशीन में, उस पर क्या कुछ कहेंगे? दिसंबर माह में पीएमजीकेवाई का जो भी अलॉटमेंट आया है उस अलॉटमेंट को सभी डीलर के यहाँ भिजवा दिया और उसका वितरण भी हो रहा है सर, लेकिन एक यूनिट पे 1 किलो गेहूँ दिया जा रहा है सर। जो भी अलॉटमेंट आया हुआ है उस अलॉटमेंट को भेज दिया। सर बगान थोड़ा में क्या बोला था? दिलीप बावरी का जो कोटा है सर उसमें हमेशा हंगामा होता है सर। दिलीप बावरी के ऊपर जांच करके कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी। कितने बार सर आपको सूचना भी हम दिए हैं? अब तो बता ही दिए कि कार्रवाई हेतु अनुशंसा मेरे द्वारा कर दी। सभी डीलर ने उन लोग का 6-7 महीना का खाली कमीशन मिला, बाकी कमीशन अभी तक नहीं मिला, तो डीलर लोग कैसे आगे की कार्रवाई? उसके बाद भी इस बार जो है अब मुफ्त राशन वितरण करना, अब मुफ्त राशन जनवरी से हम लोग वितरण कर रहे हैं, इसका कमीशन डीलर को कब मिलेगा? डीलर का क्या परिवार नहीं है? डीलर कौन? घर भाड़ा देना है, घर भाड़ा देना है उसका वेटमैन का पैसा देना है, अपने क्या खाएगा? अभी तक हम लोग का कोई कमीशन के विषय में कोई चर्चा नहीं हुआ, सरकार से किसी तरह का कोई अनुशंसा हम लोग को अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए अगर इस तरह से हम लोग का पोजिशन रहेगा तो हम लोग को बाध्य होकर हड़ताल में जाने पड़ेगा। तो बैनर में तो लिखे कि हड़ताल में जा रहे हैं, ये तो हम लोग सांकेतिक हड़ताल में 3 दिन के लिए जा रहे हैं, सांकेतिक हड़ताल है, उसके बाद भी अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आगे हम लोग लंबा हड़ताल के लिए जाएंगे। हड़ताल आगे भी जारी रहेगा, आगे भी जारी रहेगा। मुफ्त में राशन बांटने के लिए सरकार बोल रही है, सांकेतिक हड़ताल हम लोग 3 दिन का कर रहे हैं, अगर हम लोग पे सुनवाई नहीं होगा तो हड़ताल को और लंबा करेंगे। हम लोग का न्यूनतम हाजिरी 383 रुपया कम से कम वो चाहिए। और क्या क्या मांगे आप लोगों की? कमीशन समय पर मिले, मंथली